जितना पहले हमार चेन्नई है, अब वो चेन्नई मतलब का धोनी या धोनी धोनी जी धोनी को हम लोग तो भाई हम हो या पूरी दुनिया हो धोनी। लेकिन हमने के तो दो चार महीना पहले फैन अलग अलग टीम के रहनी है, लेकिन जब से एलएसजी के सपोर्ट में भैया आ गए तो हमारा भी और हमने के आईपीएल में गई रही जाओ भैया के धमाल भइल स्टेडियम में गाना के लॉन्चिंग कइले और जितना भी लोग रहे सब क्लैपिंग किया और आईपीएल के तो आईपीएल में जिसे डंका बाजा था भोजपुरी के जी। आपके पर्सनली आप तो स्टेडियम में मिल रही तो कैसा महसूस मिल जो भोजपुरी में कमेंट्री होता रहे तब बहुत बढ़िया और भोजपुरी के आज कमेंट्री हमरा लगा था कि दूसरा या तीसरा नंबर पे सुना जा रहा पहले कह कर सके हाँ तो ऐसे बड़ा का हो सकेला की भोजपुरी के अगर एक एक बार हमने के देखा था जियो सिनेमा टीवी पे तो एक करोड़ लोग देखा रहे और हमने के भाषा के सुना था ऐसे बड़ा चीज और का हो सकेला बहुत बढ़िया भोजपुरी बड़ा था और हमने के आईपीएल में गई रही जाओ भैया के धमाल भइल स्टेडियम में गाना के लॉन्चिंग कइले और जितना भी लोग रहे सब क्लैपिंग किया और सारे लोगों ने खेसारी लाल यादव को मोहब्बत किया। इससे बड़ा गर्व क्या हुआ कि स्टेडियम में हमारा सुपरस्टार बोल रहे और सारे लोग सुन रहे बहुत अच्छा लगा जी। लखनऊ सुपर जेंट खातिर खेसारी लाल यादव जी गाना गनी है जी। स्टेडियम पूरा का पूरा धूम मचा गई पूरा का पूरा एकदम गर्दा उड़ गई बा तो पर्सनली बताएं कि आप केकर फैन हैं और खेसारी लाल यादव जी केकर फैन हैं। देखिए हमने के तो दो चार महीना पहले फैन अलग अलग टीम के रहनी है, लेकिन जब से एलएसजी के सपोर्ट में भैया आ गए तो हमारा भी एलएसजी हो गया क्योंकि सारेगामा का वो टीम है सारेगामा कंपनी का। तो जितना पहले हमार चेन्नई है अब वो चेन्नई मतलब का धोनी या धोनी धोनी जी धोनी को हम लोग तो भाई हम हो या पूरी दुनिया हो धोनी मतलब धोनी, लेकिन उनको हम लाइक करते हैं धोनी को देखना चाहते हैं हमेशा। लेकिन जब हम लोगों की अपनी जब घर की सारेगामा से बद्री भैया से हम लोग का लगाव है और हमारी घर की कंपनी का वो टीम हुआ तो हमें लगा कि वो हमारा ही है तो हम लोग अब एलएसजी को सपोर्ट करने लगे और भैया उनके लिए गाना गाए भैया सपोर्ट करते हैं तो हम लोग स्टेडियम में बहुत ज़्यादा क्राउड रहे जब खेसारी लाल यादव जी फर्स्ट टाइम होला तो फर्स्ट टाइम स्टेडियम में परफॉर्मेंस रहे उनका जी और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहे। तो आप अगर कैसे देखते नहीं भोजपुरी में पहलका बार कौनो भोजपुरी स्टार जाके स्टेडियम में अपन गाना के लॉन्चिंग करे वो भी इतना भीड़ भड़कम और सुपर स्टार कि क्रिकेटर दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन क्रिकेटर सामने होगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत गर्व भइल वो दिन हमनी के और वो दिन लागल कि हमनी के वैसन आदमी के संगे काम करी ला जी हमनी के कबो रिलाइजे ना करावे देने कि हम खेसारी लाल यादव हैं। हाँ मतलब इतना नेचुरल और इतना आम आदमी के अब हम लोग के का बताएंगे वो शब्द में भी कम पड़ जाला। कभी हम लोग को रिलाइज नहीं होता कि हम लोग खेसारी लाल यादव के पास ये सोचते हैं कि उसका वादा कितना ऊपर है तो हमें इस बात का ऐसे ऐसे समय पे हमें कभी कभी दिखता है। अब स्टेडियम में सारे लोग बोले अरे और खेसारी आया खेसारी आया मतलब कितना बड़ा चीज़ है, लेकिन हम लोग 24 आवर उसके साथ रहते हैं कभी रिलाइज नहीं होने दिया कि मेरा इतना बड़ा नाम है। एकदम भाइयों की तरह दोस्त की तरह हमेशा हंसी मजाक सब कुछ साथ में सोना खाना सब, लेकिन वो आदमी का वादा उस दिन हमें अंदाजा लगा कि खेसारी लाल यादव ही भोजपुरी का सबसे बड़ा ब्रांड है। भैया वैसे तो खेसारी लाल यादव के हर जगह हर टेम्पू पे हर ट्रैक्टर पे गाना सुनल जाला, ये कहीं की दुनिया में कहल जाओ तो हर जगह उनका गाना सुनल जाला कहीं कम तो कहीं बेसी। संघर्ष 2 फिल्म आ रहा बा का कहम ऑडियंस के लेके कि दर्शक पूरा जैसे कि फरिश्ता के प्यार दिले रहन उससे भी फरिश्ता से भी बड़ी मूवी बनेगी और इसको भी हम लोग अभी बहुत तगड़े तरीके से जब सिनेमा घर में लगेगी हम लोग सब भाइयों के साथ जैसे फरिश्ता देखे थे उससे भी ज़्यादा इस सिनेमा के लिए मेहनत करेंगे हम लोग और घूमेंगे क्योंकि अच्छी सिनेमा बनी है हमारी यहाँ भोजपुरी मान सम्मान की बात है तो बिल्कुल हम लोग मेहनत करेंगे। तो देख सकते रही यहाँ के रही हमारे साथ अखिलेश बाबा यानी अखिलेश कश्यप कहम कलम के कहर लगातार जारी बाटे वैसे ही आप सभी अपने साथ बनल रही लगातार खेसारी लाल यादव से रिलेटेड आपके न्यूज मिलत रही। जय भोजपुरी समाज जय हिंद।